हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जो है कंपनी योनेक्स का, जिसका नाम है योनेक्स कार्बोनेक्स 8000 प्लस। इसके स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। तो ये है हमारे बैडमिंटन रैकेट का कवर, एक तरफ है योनेक्स का लोगो और नाम, इस तरफ है सीरीज का नाम। और योनेक्स ने काफी अच्छा क्वालिटी का कवर प्रोवाइड किया है इस रैकेट के साथ में। काफी थिक कवर है, काफी फ्लेक्सिबल कवर दिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर है। मेरी तरफ से इस कवर को थम्स अप। हाँ, तो अब आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पे, जो की है एक बैडमिंटन रैकेट जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज। ये है एक ओवल शेप टेक्नोलॉजी का रैकेट, मतलब इसका शेप जो है वो ओवल है, आइसोमेट्रिक नहीं है। जैसा कि आपको पता था कि आइसोमेट्रिक में एक्स्ट्रा आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे स्वीट स्पॉट मिलता है, ओवल में नहीं मिलता है, बट परफॉर्मेंस में बाद में डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली अभी ये ओवल शेप टेक्नोलॉजी का रैकेट है। इसका जो शाफ्ट है वो ग्रेफाइट शाफ्ट है, हेड भी ग्रेफाइट है, इसका मतलब ये फुल ग्रेफाइट रैकेट है। इसके अलावा जो इसका ग्रिप है वो G4 साइज का है, जो एक स्टैंडर्ड साइज ग्रिप होता है। इसका टेंशन लेवल 19-24 LPS है, जिसमें से 19 लोएस्ट 24 हाइएस्ट। कलर भी बड़ा अट्रैक्टिव है दोस्तों, व्हाइट कलर में अवेलेबल है, जिसमें साथ में रेड कलर के आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं रैकेट के साथ में। अब हम आते हैं इस रैकेट की स्ट्रिंग्स पे। बिल्कुल दोस्तों, ये रैकेट मुझे स्ट्रिंग्स के साथ ही मिला था। कंपनी ने मुझे रैकेट स्ट्रिंग करके दिया था, मतलब जब भी आप इस रैकेट को परचेज करेंगे आपको ये स्ट्रिंग ही मिलेगा। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी योनेक्स कार्बोनेक्स 21 स्पेशल पे, लेकिन वो भी कार्बोनेक्स सीरीज का ही रैकेट था, लेकिन वो अनस्ट्रंग आया था, बट ये रैकेट स्ट्रिंग मिला है, जबकि ये भी कार्बोनेक्स सीरीज का ही रैकेट है। अगली जो चीज है वो है इसका वेट। इसका वेट 3U कैटेगरी में लाए करता है, इसका मतलब 85 से 90 ग्राम, 85 to 90 ग्राम्स के अंदर इसका वेट आता है। बट जब मैंने इसका वेट मेजर किया, तब मैंने इस रैकेट का वेट स्ट्रिंग्स के साथ ही मेजर किया है, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे स्ट्रिंग के साथ ही मिला है, तो इसका वेट करीबन 93-94 ग्राम्स के आसपास आया है, जो कि आपको पता है कि ये स्ट्रिंग्स का वेट है, 3-4 ग्राम का फर्क पड़ता ही पड़ता है अगर रैकेट में स्ट्रिंग्स हैं तो, क्योंकि जो वेट लिखा जाता है रैकेट के ऊपर वो अनस्ट्रंग वेट लिखा जाता है। तो जो 3U कैटेगरी है वो अनस्ट्रंग है। जब आप इस रैकेट की गट्स को काटेंगे, स्ट्रिंग्स को काटेंगे, तो एक्चुअल जो वेट है वो निकल के आ जाएगा और आपको ये 3U रैकेट का जो कैटेगरी दी है वो बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो है इस रैकेट का इवन बैलेंस होना। इसका मतलब ना तो इसका हेड हैवी है, ना इसका टो हैवी है, इस रैकेट में बैलेंस जो है वो बिल्कुल इवन है। हाँ, तो दोस्तों अब हम आते हैं इस रैकेट की परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा। जो पहली चीज है वो इस रैकेट का इंटरमीडिएट रैकेट होना। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बिगनर्स से इंटरमीडिएट लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो कार्बोनेक्स 8000 प्लस है। इंटरमीडिएट सीरीज में बहुत ही पॉपुलर रैकेट है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत सारे रैकेट्स इंटरमीडिएट रैकेट में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सारे रैकेट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक वेरी बहुत ही पॉपुलर रैकेट है। जो अगली चीज है वो इस रैकेट का डिफेंसिव और अटैकिंग सेम टाइम पे होना। बिल्कुल, ये रैकेट डिफेंसिव और अटैकिंग सेम टाइम पे है। अगर आप अटैकिंग खेल रहे हैं तो अटैकिंग भी खेल सकते हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं तो डिफेंसिव भी खेल सकते हैं। अगर आपको एक हाई एंड अटैकिंग रैकेट चाहिए तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल अटैकिंग रैकेट, अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, बिगनर प्लेयर हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं नए नए इंटरमीडिएट सीरीज पे, तो आपके लिए दोनों का काम करेगा। अगली जो चीज़ है वो है इस रैकेट का वेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस रैकेट का वेट 3U है, इसका मतलब 85 से 90 ग्राम के बीच में इस रैकेट का वेट लाया करता है, जो कि एक बहुत अच्छा वेट है, बहुत ही रीजनेबल वेट है। अगर आप 75 ग्राम से खेलते हैं तो आपको हैवी लगेगा, 90 ग्राम से खेलते हैं तो लाइट लगेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेट पर शिफ्ट करके देखिए, क्या पता आपको ये वेट सूट कर जाए। अगली जो चीज़ है वो है इस रैकेट का बॉक्स फ्रेम होना, जो इसका सॉलिड फील देता है इम्पैक्ट पे। और साथ ही साथ इस रैकेट की जो ओवल शेप टेक्नोलॉजी है, मैं मान सकता हूं कि उससे थोड़ा सा आपका जो स्वीट स्पॉट है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हैंडलिंग और कंट्रोल बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मिल रही है इस रैकेट में आपको, तो आप एक बार के लिए आइसोमेट्रिक निगलेक्ट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है इसका बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी, जो कि आपको योनेक्स के काफी सारे रैकेट्स में देखने को मिलेगी। जो भी जॉइंटलेस रैकेट होते हैं, वन पीस में रैकेट बने हुए होते हैं, उसके अंदर एक बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ताकि उस रैकेट को ड्यूरेबिलिटी मिले और उस वन पीस फ्रेम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल पाए। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का डेमो स्ट्रिंग्स के साथ ये रैकेट आपको अवेलेबल होगा, तो आपको एक बार सीधा रैकेट डिलीवर होते ही, या रैकेट जब भी आप लेंगे कहीं भी शॉप से या कि ऑनलाइन कहीं से मंगवाएंगे, तो आपको लेते ही स्ट्रिंग्स नहीं डलवानी पड़ेंगी, आपको एक बार स्ट्रिंग्स डली डलाई आएंगी। लेकिन जो इसका वर्स्ट पार्ट है वो ये है,
कि आपको अगर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको हैंड टू हैंड ही गट्स कटवा के, और बहुत सारी गट्स योनेक्स में अवेलेबल है, 65, BG68, नैनोजी 95, नैनोजी 99, वो आप इसमें करवाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल पाएगी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आपको गट्स दोबारा हटवा के और नई गट्स लगवानी पड़ेगी। जो अगली टेक्नोलॉजी इस रैकेट में यूज की गई है दोस्तों, वो है योनेक्स की नैनो ट्यूब और नैनो मैश की टेक्नोलॉजी, जो योनेक्स अक्सर अपने कई रैकेट्स में यूज करता है। उस रैकेट की टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि वो इसकी शेप को, इसके फ्रेम को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन में बहुत जल्दी से वापस लेके आता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है योनेक्स की। अब आते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस पे। इस प्रोडक्ट का प्राइस जो इसकी टैग पे विजिबल है वो है 2950 है इसकी MRP है। हो सकता है आपको ये प्रोडक्ट इजीली मार्केट में 2000 से 2200 रुपए में मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल जाए, ज्यादा भी मिल जाए, वो आप मार्केट को रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूँ तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूँ, एक उसकी कंपनी की MRP और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी MRP और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस MRP और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा।